आज हम अम्ब्रेला कट फ्रॉक की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। अम्ब्रेला कट फ्रॉक की जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है, जो अभी आपके सामने मेंशन है। फुल लेंथ हमारी है अम्ब्रेला कट फ्रॉक की, फुल लेंथ 28 इंच है, अक्रॉस बैक 10 इंच है, चेस्ट 24 इंच, वेस्ट 22 इंच, बॉडी लेंथ 10 इंच, स्लीव लेंथ और बॉटम लंबाई और मोरी लंबाई हमारी है 5 इंच और मोरी हमारी है 4 इंच। तो अब हमें यहाँ पे जो फुल लेंथ मिली हुई है वो 28 इंच है, बॉडी लेंथ भी मिली हुई है हमें यहाँ 10 इंच। ये 10 इंच 28 इंच में से ही माइनस करना होता है, तो निकालना कैसे है फुल लेंथ। फुल लेंथ माइनस बॉडी लेंथ, फुल लेंथ हमारी कितनी है 28 इंच, माइनस हमें क्या करना है बॉडी लेंथ, बॉडी लेंथ हमारी है 10 इंच 10 इंच 28 माइनस 10 18 इंच। ये जो 18 मिला हमें घेर की लेंथ मिली, ये 10 हमारी बॉडी लेंथ है और 18 हमारी घेर की लेंथ है। तो सबसे पहले हम बॉडी लेंथ लेंगे, बॉडी लेंथ हमारी है 10 इंच, ये हमारी बॉडी लेंथ। इसके बाद एक्रॉस बैक पे आओ, एक्रॉस बैक है 10 इंच, तो एक्रॉस बैक का जो फॉर्मेट है, एक्रॉस बैक का दो कितना है हमारा 5 इंच, ठीक है। यहां से हम लेंगे 5 इंच, आर्म होल के लिए आर्म होल मतलब मुड्डे, मुड्डे के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा तीरा है उसमें हम आधा इंच ऐड कर देंगे। तीरा हमारा कितना है 5 इंच, हमने आधा इंच और जमा किया तो हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। आर्म होल का जो तरीका है मैंने सिंपल फ्रॉक की ड्राफ्टिंग में भी आपको बताया था, अभी भी मैं बता देती हूँ। एक्रॉस बैक का 2 जमा आधा इंच टोटल हो जाता है हमारा 5.5 इंच। यहां से यहां तक हम 5.5 इंच नीचे आएंगे, फिर चेस्ट हमारी है 24 इंच। चेस्ट के लिए जो फॉर्मेट है, चेस्ट डिवाइड 4 प्लस 1 इंच, चेस्ट को हमारी 24 है, 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6, 6 में प्लस 1 किया तो हमारा 7 इंच, 6 इंच प्लस 1 इंच हमारा 7 इंच हो गया। चेस्ट लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है 7 इंच, ये यहां से यहां तक ध्यान रखना है, लेंथ लाइन से यहां तक हमारी 7 इंच है। उसके बाद वेस्ट 22 इंच, वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड 4 प्लस 1 इंच, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.5 आएगा, 5.5 में जब 1 इंच जमा करेंगे तो 6.5,
साढ़े छह, यहाँ साढ़े पांच इंच जमा वन, साढ़े छह। कमर की जो हमें लेंथ लेनी है वो हमारी है साढ़े छह। इसको इससे मिला दो, ये हमारा ड्राफ्ट बॉडी का हुआ। अब इसमें नेक पे जाएंगे, नेक की विड्थ और लेंथ कैसे निकाली जाती है। नेक लेंथ निकालने का फॉर्मेट है चेस्ट का सिक्स, चेस्ट को सिक्स से डिवाइड करना है। जब आप चेस्ट को सिक्स से करोगे तो हमारा आएगा फोर इंच। नेक की विड्थ निकालने के लिए, नेक की विड्थ गले की चौड़ाई निकालने के लिए चेस्ट का ट्वेल्व, चेस्ट का ट्वेल्व आएगा हमारा दो इंच। ये हमारी चौड़ाई हुई और ये हमारी लंबाई हुई गले की। यहाँ पे हमने दो इंच और यहाँ पे चार इंच पे निशान लगाया। जो भी डिजाइन आप नेक का बनाना चाहो बना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। बैक के लिए क्या करना है, बैक के लिए आप यहाँ पे अगर ओपन रखना चाहते हो बैक को तो बैक ओपन रखोगे, यहाँ पे आधा इंच मेंशन करोगे गले की लंबाई के लिए, चौड़ाई उतनी ही लोगे जितनी आपने फ्रंट में ली है, या फिर आप कम ज्यादा अपने हिसाब से या इक्वल भी ले सकते हो। बैक की लंबाई हमेशा तीरा डाउन करने के लिए आधा इंच यहाँ पे तीरा डाउन करना है, डाउन करके अपनी जो गले की चौड़ाई का आपका निशान है वहां से इसको मिला देना। फिर हम आर्म होल की शेप करेंगे। आर्म होल की शेप करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो आपकी ये लेंथ बची हुई है आधा इंच डाउन आने के बाद उसका हाफ कर लीजिए। इस लेंथ का यहाँ से यहाँ तक जो आपकी लंबाई बची है उसका सेंटर आपने यहाँ पे उसका सेंटर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का आधा इंच अंदर आए। अंदर आने के बाद इसको इससे मिला देना है जो आप आधा इंच अंदर आए। ये आने के बाद इसकी गोलाई करनी है आपको। गोलाई करने के लिए इस तरीके से आप आओगे और अपनी चेस्ट लाइन से मिला दोगे। यहाँ से आपने ये सीधा आए और इसको यहाँ से हल्का 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 कर्व देते हुए अपनी चेस्ट लाइन से मिला दोगे। ये आपकी फ्रंट है गोलाई है। बैक गोलाई के लिए जहां से आपने हाफ किया था वहीं पे अपनी पेंसिल को रखना है और धीरे 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 इस तरीके से आते हुए वहीं पे आप जो चेस्ट लाइन है मिला दोगे। ये आपकी फ्रंट गोलाई होगी है और ये आपकी बैक की गोलाई होगी है। ये हमारा जो है बॉडी का फ्रॉक का बॉडी बनके तैयार हुई। इसके बाद हमें लेंथ लेनी है घेरे की। घेरे की लेंथ हम पहले ही निकाल चुके हैं। घेरे की जो लेंथ है हमारी 18 इंच, तो यहाँ से आप निशान लगाओगे 18 इंच नीचे जाओगे, 18 इंच नीचे जाओगे 10 और 18 28, यहाँ से यहाँ तक आपकी फुल लंबाई हो गई 28 इंच। जो घेरे की चौड़ाई लेनी है वो हम कपड़े के अर्ज के अनुसार लेते हैं, जितना हमारे कपड़े का अर्ज है हम उतनी भी ले सकते हैं। सारा घेर लेने के लिए हम कपड़े के अर्ज को फोल्ड कर लेते हैं। और जो लेंथ हमारी होती है लेंथ हमें जितनी चाहिए उतनी ही लेनी होती है।
के यहाँ तक हमने घेर की लंबाई ली है और ये यहाँ से यहाँ तक हमने घेर की चौड़ाई ली है। घेर की चौड़ाई हम कपड़े के विड्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें इसमें अम्ब्रेला बनाना है, गोलाई बनानी है घेर में। कैसे बनानी है गोलाई ये देखना है आपने। अम्ब्रेला की जो वेस्ट की गोलाई है वो बनाने का फॉर्मेट है विड्थ वेस्ट वेस्ट की जो हम घेरे में जो गोलाई करेंगे वो वाली चेस्ट को डिवाइड करेंगे हम सिक्स से। जब हम चेस्ट को डिवाइड करेंगे सिक्स से, हमारी चेस्ट है 24, सिक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। ये वाली जो हम ध्यान से देखना, ये वाली जो हमारी रेखा है यहाँ से अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। ये जो 4 इंच पे निशान लगाया है उतना ही हम नीचे 4 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। ये अब हम इसको 4 इंच को जो यहाँ से इस कोने को लिया है इसको हम हल्की हल्की इस तरीके से करते हुए हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये आपने गोलाई करनी है यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच, मतलब चेस्ट का छठा पार्ट निकालना है, जो भी आएगा वो आप इसकी गोलाई कर दोगे। उसके बाद जो हमें लेंथ चाहिए, ये हमारी लेंथ है इधर हमारा, यहाँ पे जहाँ भी लेंथ आएगी हमारी, चाहे हमारे हो सकता है कपड़े के अर्ज के हिसाब से हमारी आगे आए या इस लाइन से टच हो या थोड़ी आगे आए, वो डिपेंड टू अर्ज। लेकिन ड्राफ्टिंग करते वक्त हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारी यहाँ से यहाँ तक इसकी गोलाई कैसे बनानी है। ये जो है आपका यहाँ पे आप नीचे टेप रखना है, यहाँ पे 18 18 18 18 इस तरीके से करते हुए गोलाई बनानी है। ये आपका जो है अम्ब्रेला का जो घेर है वो तैयार हो जाता है। जब अम्ब्रेला का जो फ्रॉक बनाओगे तो देखोगे तो जो आपका घेर बन के तैयार होगा वो इस तरीके से आएगा ऐसे। ये आपको दिखेगा कि जैसे अम्ब्रेला होती है उस तरीके से ये लुक देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अम्ब्रेले कट की बॉडी का और ये हो गया हमारे घेर का। यहाँ पे आपने सभी चीजें जितनी जो ली है वो सभी मेंशन करनी है। ये कितना लिया है अक्रॉस बैक पर 2, कितना आया था हमारा 5, यहाँ पे हम अंदर आए थे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच डाउन किया था, चेस्ट का 12 हमने नेक की विड्थ ली थी, चेस्ट का 6 लेंथ ली थी, बॉडी लेंथ हमारी है, बॉडी लेंथ बॉडी लेंथ 10 इंच है, घेर की जो लेंथ है हमारी यहां से यहां तक ये जो आपकी घेर की लेंथ है वो हमारी है 18 इंच, बॉडी लेंथ यहां से यहां तक 10 इंच, घेरे की लेंथ यहां से यहां तक 18 इंच। फिर टोटल के लिए जब हम लेंथ हमारी टोटल हुई, हमारी टोटल लेंथ है 28, यहाँ पे निशान लगाओगे और यहाँ पे लगा के यहाँ पे लिखोगे फुल लेंथ। फुल लेंथ हमारी है 28 इंच, यहाँ से यहाँ तक एरो का निशान लगाओगे फुल लेंथ है 28 इंच। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक विड्थ ऑफ क्लोथ, विड्थ ऑफ क्लोथ कपड़े की चौड़ाई, ये भी यहाँ पे आप मेंशन करना चाहो, हमने यहाँ पे कर दिया है लेकिन फिर भी अगर करना चाहो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये जो हमने लिया था हमने कैसे लिया था, चेस्ट का 6 पार्ट निकाला था इधर भी और इधर भी, तो यहाँ भी आपने लिखना है चेस्ट का 6 पार्ट। यहाँ पे हमारी जो चेस्ट हमने ली थी चेस्ट का 4,
प्लस 1 इंच, हमारी आई थी 7 इंच, और ये यहां से यहां तक हमने लिया था वेस्ट का 4 प्लस 1 इंच, हमारा आया था 6.5 इंच। ये हमारा अम्ब्रेला कट फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। अच्छा एक चीज और है, अगर हम अम्ब्रेला को स्कर्ट भी देखते हैं ना, तो इस चीज को नहीं बनाते हम, सिर्फ स्कर्ट ये बनाते, तो हमारी स्कर्ट भी इसी में रेडी हो जाती है। वैसे मैं स्कर्ट का, अम्ब्रेला का स्कर्ट की अलग से ड्राफ्टिंग आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ आप बॉडी को हटाओ, सिर्फ नीचे के घेरे को देखो, तो आपकी अम्ब्रेला कट स्कर्ट भी रेडी हो जाती है। सिर्फ इसमें हमें बेल्ट मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा अम्ब्रेला कट फ्रॉक का जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आप छोटे से लेके बड़े तक किसी की भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। ये आज हमारी अम्ब्रेला कट फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कम्प्लीट हुई।